अभी हम ग्वात्र में हैं और ये चाबहार से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है और ये लास्ट पॉइंट है ईरान का, इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो हमने रास्ते में ब्यूटीफुल रामिन बीच देखा, 500 इयर्स ओल्ड बनियान ट्री देखा और ब्यूटीफुल मार्स माउंटेन और उसके एक साइड में बीच देखा, जो हमारे साथ कई किलोमीटर का सफर पूरा करता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज फिर एक नया दिन और हम आप और एक नई जगह। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, तो होप यू विल एंजॉय द वे एंड द प्लेस। तो यह है चाबहार का एक और एंट्री और एग्जिट गेट। यहाँ से लोग एंट्री और एग्जिट होते हैं चाबहार फ्री जोन में, और इस गेट के बाद चाबहार फ्री जोन ख़त्म हो जाता है और सिर्फ चाबहार बचता है, जो कि सिस्तान एंड बलूचिस्तान है। यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पर जो जायका है, क्यूजीन है, वो भी पाकिस्तान के साथ बहुत मिलता है, और उसमें कढ़ी और कढ़ाई है जो काफ़ी हद तक इंडिया के साथ भी मैच करता है। और यहाँ के लोग काफ़ी हिंदी फिल्में देखते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इस जगह को लिटिल इंडिया भी कहते हैं। यह है पिंक लेक, बट अभी पानी बहुत ही कम बचा है। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था और अच्छा खासा पिंक भी नज़र आ रहा था, बट अभी उतना नज़र नहीं आ रहा है, बट आपको फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ नमक बच गया है और आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर नमक इकट्ठा कर रहे हैं। آب خیلی کم نه؟ آب دریای آب تو آن اون غری که گرما که بی بزیاد چشمه و عادت زیر زمین آها اینجا چشمه داره؟ آه چشمه داره یعنی این آب چی شیرین که نیسته؟ آب دریای آه آب دریای جاده اون غری که خوش شد کامل نه؟ باران که بی بس نگرد یه تا پینک لیک جو ہمارے راستے میں پڑا اور ہم نے इसे देखा और ये भी जाना कि इसका रंग पिंक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नमक है और इसी की वजह से ये पिंक नज़र आता है। और जो इसमें पानी है ये समुंदर का पानी है। लोकल लोग हैं जो यहाँ पर सविनियर बेच रहे हैं। तो हम अभी पहुंच गए रामिन बीच, ये पिंक लेक से कुछ ही दूरी पर है। Today,
तो ये था रामिन बीच और दरिया बुजुर्ग। अब चलते हैं बनियान ट्री देखने। यह है बनियान ट्री, तकरीबन 500 साल पुराना है और यहाँ पर यह सेक्रेड है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए, बैठते हैं यहाँ पर और टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे पेड़ हमारे गांव में बिहार में बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यह मिलना एक अजीब सी बात है। ये बनियान ट्री यहाँ पे इतना रेयर है, बट लोगों ने फिर भी इस पर लिख के पेंटिंग कर करके इसको ख़राब कर दिया है। ये बात तो तय है कि जहाँ भी इंसान है वहाँ उन्होंने गंद मचा रखा है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो आपने मेरे पीछे रामिन बीच देखा, ये वही बीच है जहाँ पर अभी हमने विवान के साथ 8 months फोटोग्राफी किया। और ये बीच आपको कई किलोमीटर तक ऐसे ही नज़र आएगा और वाकई में ये बीच ब्यूटीफुल है। अब फिर यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। अभी हम जहाँ पर रुके हैं ये है चौबहार का मेन अट्रैक्शन, ये है मार्टियन माउंटेन्स या फिर मार्स माउंटेन, इसे मिनिएचर माउंटेन भी कहते हैं। तो अभी हम इसे नज़दीक से देखेंगे। एक तरफ समुंदर तो एक तरफ मार्स माउंटेन, नज़दीक से देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मेरे पीछे है मार्स माउंटेन और इनका पैटर्न बाकी आजू बाजू पहाड़ों से बहुत ही अलग है और इनका जो साइज है तकरीबन 5 मीटर से लेके 100 मीटर हाइट तक के हैं। और ये तकरीबन कई मिलियन ईयर्स पानी के अंदर था और समय के साथ ये बाहर निकले और अब ऐसा नजर आता है। यहाँ पर कुछ ऐसे हट बना रखे हैं टूरिस्ट के लिए लोकल लोगों ने, और इन्हीं के थ्रू इनका सोर्स ऑफ इनकम है। अंदर से देखते हैं इसे। सामने आपको समुंदर नजर आएगा और इस तरफ से आपको पूरा मार्स माउंटेन नजर आएगा। और यहाँ पे कुछ पब्लिक फैसिलिटीज भी है जिसमें वॉशरूम है, फूड स्टोर है और बैठने की जगह भी है। अभी विंटर का टाइम है इसलिए टूरिस्ट है, अदरवाइज ये सब खाली ही होते हैं।
यह है एक शॉप यहाँ पर जो सवेनियर बेचते हैं टूरिस्ट के लिए, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। और दस हमारे शाही तजी दर है, कुदरत तजी है, दुरुस्त सदफ सस्त चूर नफर सस्त सदफ दुरुस्त मिशन दुरुस्त मिशन इन बच्चे दुरुस्त शोध सदफ है। सत्रह अशवाल है, सत्रह अशवाल में सदफ दुरुस्त शोध है। फिर हम जावे दसवाल है, ये बेन में कल लगाओ भी हाँ मामी के शंक सीधा में दे कल लगाओ भी अरे सीधा दरिया ये जो आप फिश देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब असली है बलून फिश। और वहाँ पे आप जो क्रैब और लॉबस्टर देख रहे हैं वो भी असली है। हेलो, आई वाज और सामने है बॉर्डर और ईरान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब ये लोग गाड़ी और हमारे कागज चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे जाने देंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, और हम हैं अभी ग्वात्र में। ग्वात्र ईरान का लास्ट पॉइंट है इंडियन ओशन की तरफ, और इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। अगर हम छोटे बोट से भी सेल करें इस समुद्र के रास्ते तो 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। बट एज ए इंडियन हम तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, बट आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपसी तनाव पाकिस्तान और इंडिया के जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और हमारी जनरेशन में ही ख़त्म हो जाए, नहीं तो आने वाली जनरेशन को इस मतभेद का कारण भी नहीं पता होगा, बस वो आगे अपनी जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। ग्वात्र फेमस है अपने हरा जंगल के लिए और बर्ड माइग्रेशन के लिए। हरा जंगल यहाँ पर मैनग्रूव्स को कहते हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये फॉरेस्ट, ये पूरा मैनग्रूव है। बट अभी समुद्र का पानी नीचे आ गया है तो वहाँ पर नहीं जा सकते। यह हमारे बासित भाई हैं, और ये पाकिस्तान से हैं, और अभी ये ग्वात्र में हैं, और ये हमें अभी इस जगह के बारे में बताएंगे और यहाँ से कितना दूर पाकिस्तान है वो भी बताएंगे। ये मतलब ग्वात्र है, यहाँ पे आप मतलब सैर करने के लोग आते हैं, विजिट करने के लिए बाहर के, मतलब जो ईरान के जो बड़े बड़े सिटी होगा वहाँ से आते हैं सैर करने के लिए। डॉल्फिन वगैरह है, और यहाँ पे जो जंगल यहाँ पे जो लोगों का वो जो कारोबार है सारा, मतलब ये मछली वगैरह। टूरिस्ट के लिहाज से ये जगह कैसा है? ये मतलब बहुत अच्छा जगह है, लोग जाते हैं, जो बाहर के मुल्कों से भी लोग यहाँ पे आते हैं टूरिज्म के लिए। फिर यहाँ पे इतना मेंटेन क्यों नहीं किया है? अगर टूरिस्ट जगह है तो मेंटेन करना चाहिए था। ये वैसे बैकवर्ड इलाका है, मतलब इस पे काम करना है ना लोगों को, अभी लोग मतलब सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई जो कंपनी हो या कोई और चीज हो यहाँ पे इन्वेस्ट करे फिर मतलब बात हो। तो ये है ग्वात्र,
और ये चाबहार से तकरीबन 200 किलोमीटर था और हमने रास्ते में रामिन बीच देखा जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसके बाद हमने 500 इयर्स ओल्ड बनियान ट्री देखा और उसके बाद हमने मार्स माउंटेन और साथ में बीच देखा जो हमारे साथ कई किलोमीटर का सफर तय किया। और उसके बाद हम यहाँ पहुंचे और आपने यहाँ पर हरा फॉरेस्ट देखा, बट हम आपको वहाँ पर नहीं लेके जा सके क्योंकि समुद्र का पानी नीचे आ चुका था तो वहाँ पर बोट जाना मुश्किल था, इसलिए हम आपको वहाँ पर लेके नहीं जा सके। बट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।